तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आज के मुख्य समाचार के इस ताजा वीडियो में। दोस्तों आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज, तमाम बड़ी खबरें एक बार फिर से लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी बड़ी खबरें आप ही के काम की एवं फायदे की हैं, इसीलिए दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो दरअसल दोस्तों आज की बड़ी अपडेट आ रही है, कोरोना की फिर हुई वापसी। देश में तेजी से फैल रहा XBB वेरिएंट, अब तक 380 केस आए सामने। कोरोना की नई लहर का बड़ा खतरा, एक सप्ताह के अंदर देश में फिर आने वाली है कोरोना की एक और लहर। कल से सभी स्कूल कॉलेज हो जाएंगे बंद, इन 5 राज्यों को पड़ेगा भारी, चेतावनी हुई जारी। बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, कोरोना की एक और फिर से नई लहर एक हफ्ते के दौरान देश में आ सकती है। खासकर इन 5 राज्यों में कोरोना का यहां पर फिर से वापसी हुई दिखाई दे रही है। इसके चलते कोरोना इन 5 राज्यों को फिर से भारी पड़ने वाला है। कौन कौन से वो 5 राज्य हैं जहां पर कोरोना की एक और नई लहर आने वाली है, चेतावनी जारी हो चुकी है, स्कूल कॉलेज भी कहां कहां बंद होने वाली है, संपूर्ण जानकारी जानेंगे भाई और बहनों। और वहीं अगली बड़ी खबर, महिलाओं को मिलेगा एक एक मोबाइल फोन बिल्कुल फ्री, सरकार अगले महीने से शुरू करेगी वितरण। दरअसल अगर आप भी महिला हैं तो आपके लिए सरकार का एक बड़ा तोहफा निकल कर आ चुका है। अगले महीने से आपको एक एक मोबाइल फोन बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाला है। और वहीं गरीब परिवारों के लिए मोदी सरकार का ऐलान, गरीबों को हर महीने मिलेंगे 3,500 रुपए। लेने के लिए आप भी घर बैठे ही भर लें ये फॉर्म, बचा है सिर्फ 2 दिन का समय। अगर आप भी गरीब हैं, परिवार से आते हैं, किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, किसानी करते हैं, खेती मजदूरी करते हैं, तो सरकार आपके लिए 3,500 रुपए देने का ऐलान कर दिया है। कौन सा काम करवाना होगा, घर बैठे ही अगर आप ये फॉर्म भर देते हैं तो मिल जाएंगे 3,500 रुपए। कैसे मिलेंगे इसकी संपूर्ण जानकारी जानेंगे दोस्तों। और वहीं अगली बड़ी खबर, देश में आज रात 12 बजे से होने जा रहे हैं कई बड़े बदलाव, लागू हो जाएंगे ये नए नियम, ये 3 चीजें हो जाएंगी बंद। बड़ी खबर आ रही है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, संपूर्ण देशवासियों के लिए अभी सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ा ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों संपूर्ण देश में आज रात 12 बजे से ये 3 चीजें बंद हो जाएंगी, साथ ही कुछ नए नियम भी कोरोना महामारी के मद्देनजर लागू होने जा रहे हैं। तो आखिरकार कौन कौन से 3 नए नियम हैं जो कि यहां पर संपूर्ण देश में लागू होंगे और कौन कौन सी चीजें बंद होंगी, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही में मोदी सरकार के सभी नई योजनाओं की जानकारी, और वहीं बैंकों के बंद होने के साथ साथ LPG रसोई गैस सिलेंडर भी हो चुका है भारी सस्ता, हर एक खबर की जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी खबरें आप ही के फायदे की और काम की हैं। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप अपना ही नुकसान करवा लेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सरकार का ऐलान, सभी के घर घर जाकर सरकार बनवाएगी अब ये कार्ड, मिलेगा 4,00,000 रुपए का फायदा। दरअसल अगर आप भी यहाँ पर गरीब हैं, मध्यम वर्ग के हैं, तो अब आपको सरकार जो है मदद करने के तहत आपका घर घर यहाँ पर जो है सरकार एक कार्ड बनवाने वाली है। अगर आपके पास में राशन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, तो अब आपको 4,00,000 रुपए का फायदा मिलेगा। कौन सा ये कार्ड सरकार बनवाने वाली है, इसकी संपूर्ण जानकारी जानेंगे। और वहीं अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे व्हाट्सएप से डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस समेत ये सभी जरूरी दस्तावेज। दरअसल अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो अब आपके लिए व्हाट्सएप जो है एक नया फीचर लेकर आ रहा है, जिसमें अब आप घर बैठे ही अपने ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड समेत कई जरूरी दस्तावेज भी डाउनलोड कर सकते हैं। किन किन लोगों को ये खास सुविधा मिलेगी, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। और वहीं अगली बड़ी खबर, मात्र 2,000 रुपए में मिल रहा है 4 कैमरों वाला ये दमदार स्मार्टफोन, खरीदने वालों की लगी भारी भीड़। दरअसल दोस्तों अगर आप भी बेहद ही सस्ते में 4 कैमरों वाला ये दमदार स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो फटाफट से बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि अभी ऑफर के तहत मात्र 2,000 रुपए में ये 4 कैमरों वाला फोन मिल रहा है। कहाँ पर कैसे बुकिंग करवानी है, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। और वहीं अगली बड़ी खबर, टमाटर हुआ भयंकर सस्ता, औंधे मुंह गिरे दाम, नहीं मिले खरीदार तो किसानों ने सड़क पर ही फेंक दिए टमाटर। दोस्तों यहां पर टमाटर की कीमतों की ताजा अपडेट्स आपको देने वाले हैं, कितने रुपए तक टमाटर सस्ता हुआ है। और वहीं इन 5 राज्यों के लोग रहे सावधान, भारी बारिश को लेकर जारी हुई चेतावनी, आज रात से स्कूल और कॉलेजों को भी कर बंद करने का हुआ ऐलान। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, अगर आप भी देश के इन 5 राज्यों के रहने वाले हैं तो सावधान हो जाएं। IMD मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी इन 5 राज्यों के लोगों को जारी की गई है। तो कौन कौन से वो 5 राज्य हैं जहां पर स्कूलों को भी बंद कर दिया जाएगा, आज रात 12 बजे से इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। और वहीं ट्रेनों से लेकर हवाई सफर तक करना हो गया महंगा, ऑटो टैक्सी और रिक्शा का भी बढ़ गया है किराया।
दोस्तों, अगर आप भी ऑटो, टैक्सी, रिक्शा या फिर ट्रेनों से सफर करते हैं तो आपको भारी भरकम यहाँ पर नुकसान होने वाला है, बड़ा झटका लगने वाला है। इन सभी के किराए में बढ़ोतरी होने जा रही है। तो कहाँ कहाँ पर कितने कितने रुपए तक यहाँ पर किराया बढ़ेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी जानेंगे। तो भाई और बहनों, दरअसल आज की बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सरकार का बड़ा ऐलान, अब घर घर जाकर सरकार बनाएगी ये कार्ड, मिलेगा 4 लाख रुपए का फायदा। भाई और बहनों, एक बड़ी अपडेट आई है मोदी सरकार की ओर से देश की आम जनता के लिए। अब घर घर जाकर उनका यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बनाने का ऐलान हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको यहाँ पर अगर कार्ड बनवाना है तो 4 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए का फायदा आपको मिल सकता है। और कैसे इस कार्ड को बनवाना है, आइए इसकी संपूर्ण जानकारी देते हैं। दरअसल दोस्तों, आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए सरकार का ऐलान हो चुका है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लोगों को अब सरकार घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएगी और इससे आपको 5 लाख रुपए तक का फ्री में मुफ्त में इलाज की सुविधा मिलेगी। कई लोगों का अभी भी यहाँ पर आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, तो अगर आपका भी आयुष्मान कार्ड बना है या फिर नहीं, इसे आप कमेंट बॉक्स में जानकारी के तहत लिख सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए आई खुशखबरी। अब घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर व्हाट्सएप चलाते हैं तो अब आपके लिए एक बड़ी सुविधा का ऑफर मिलने वाला है। अब आप घर बैठे ही यहाँ पर कई जरूरी दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। दोस्तों, व्हाट्सएप जो है एक नई सुविधा आपको यहाँ पर घर बैठे देने जा रहा है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों को जितने भी जरूरी दस्तावेज होते हैं, यानी कागजात होते हैं, चाहे आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो, रिजल्ट हो, सर्टिफिकेट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, गाड़ियों के कागजात हो, RC हो, हर एक चीज़ अब आप अपने यहाँ पर व्हाट्सएप के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। कैसे डाउनलोड करना है, इसमें सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में 9013151515 पर आपको यहाँ पर जो है मैसेज करना होगा। इस नंबर को आप माई गोव करके सेव कर सकते हैं और इसमें आपको हाई लिखकर भेजना है। जैसे ही हाई लिखकर भेजेंगे, आपको यहाँ पर नमस्ते टाइप कर देना है और इसमें आपका डिजी लॉकर खुल जाएगा। डिजी लॉकर को आपको ऑथेंटिकेट कर लेना है और आपकी चैटिंग शुरू कर सकते हैं। यहीं से आप डिजी लॉकर व्हाट्सएप पर इस्तेमाल करते हुए अपने सभी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मात्र 2000 रुपये में मिल रहा है दमदार धांसू स्मार्टफोन, फटाफट से कर लें खरीदारी, लगी है भारी भीड़। दरअसल दोस्तों, एक बड़ी अपडेट सामने आई है, बेहद ही सस्ते में धांसू दमदार स्मार्टफोन मिल रहा है, वो भी 2000 रुपये में। अगर आपकी जेब में 2949 रुपये हैं तो अब आप इसे खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग का 6000 mAh बैटरी वाला 5G स्मार्टफोन आपको मात्र 2949 रुपये मिल रहा है। दोस्तों, इसमें आपको 5 MP का कैमरा भी दिया जाएगा और खास बात यह है कि ये एक 5G स्मार्टफोन है, यानी 4G से भी ज़्यादा एडवांस। दोस्तों, इसे आपको खरीदने के लिए क्या करना है कि सैमसंग की यहाँ पर जो है आधिकारिक साइट पर जाना है और वहाँ से आपको बुकिंग करवा लेनी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है महिलाओं के लिए, सरकार का बड़ा ऐलान, अगले महीने मिलेंगे फ्री में एक एक स्मार्टफोन। जानिए कैसे आप भी ले सकते हैं फायदा। दरअसल अगर आप एक महिला हैं तो आपके लिए सरकार का बड़ा ऐलान हो चुका है। राजस्थान में गहलोत सरकार इस साल के अंत तक महिलाओं को शानदार तोहफा देने जा रही है। दरअसल गहलोत सरकार के प्रदेश के 1,35,00,000 महिलाओं को दिसंबर में मुफ्त में स्मार्टफोन देने का ऐलान हुआ है और इसका पूरा वितरण जो है अगले महीने से राजस्थान की सरकार जो है करने भी जा रही है। यानी कि महिलाओं को यहाँ पर एक एक स्मार्टफोन अगले महीने दिया जाएगा, साथ ही साथ इसमें 3 साल के लिए इंटरनेट भी फ्री मिलेगा। तो अगर आप भी एक महिला हैं तो आप भी अगर लेना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम टाइप करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, कोरोना महामारी पर फिर जारी हुई चेतावनी। देश में तेजी से फैल रहा कोरोना का नया वेरिएंट, अब तक सामने आ चुके हैं 400 से ज्यादा केस, कोरोना की नई लहर का बढ़ गया है खतरा। दोस्तों, देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या घट चुकी है, लेकिन दूसरी ओर एक चिंता इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि देश में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना का नया वेरिएंट XBB वेरिएंट बेहद ही खतरनाक और बेहद ज़्यादा तेजी से फैलने वाला बताया जा रहा है। अब तक ये 9 राज्यों में फैल चुका है और इसके चलते यहाँ पर बताया जा रहा है कोरोना की एक और नई लहर आ सकती है भारत में, खासकर इन 5 राज्यों में जैसे उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, पुडुचेरी और दिल्ली में। इन 5 राज्यों में बेहद ही तेजी से यहाँ पर कोरोना की एक और लहर आ सकती है और कोरोना का ये नया वेरिएंट बेहद ही खतरनाक भी बताया जा रहा है। तो ऐसे में डॉक्टरों ने सभी को सचेत रहने की, यहाँ पर साथ ही सावधान रहने की भी चेतावनी जारी कर दी है। और वहीं अगली बड़ी खबर, बड़ा अपडेट सामने आया है, दिवाली के बाद धड़ाम हुए सरसों के तेल के दाम, 1 लीटर मात्र मिल रहा है इतने रुपए में। जाने आज की क्या है ताजा भाव।
जी हाँ दोस्तों, त्योहारी सीजन में हर सामान महंगा मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर त्योहारी सीजन जैसे ही खत्म हुआ है, सरसों के तेल या फिर अन्य चीजों की कीमतों में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। सरसों का तेल भी यहाँ पर जबरदस्त सस्ता हो चुका है। आज से पिछले महीने में 181 रुपए प्रति लीटर पर सरसों का तेल मिल रहा था, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सरसों का तेल जो है 146 रुपए से भी नीचे आ चुका है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के लगभग 30 से 40 रुपए की गिरावट प्रति लीटर के हिसाब से हो चुकी है। आपके राज्यों में सरसों के तेल की ताज़ा कीमतें क्या चल रही हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वहीं अगली बड़ी खबर, एक और ताजा अपडेट सामने आई है, रसोई गैस सिलेंडर हुआ भयंकर सस्ता, जाने आज के क्या है ताजा रेट। जी हाँ दोस्तों, एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के ताज़ा कीमतों में फिर से गिरावट हो चुकी है। रसोई गैस सिलेंडर सस्ता हो चुका है, इसके चलते आम आदमी को महंगाई से बड़ी राहत मिली है। भाई और बहनों, रसोई गैस सिलेंडर बेहद ही तेजी से देखा जा रहा है कि महंगा हो चुका था, लेकिन अब यहाँ पर रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 115 रुपये की गिरावट हो चुकी है। महंगाई के चलते यहाँ पर जो है आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। एलपीजी सिलेंडर 115 रुपये तक सस्ता हो चुका है। तेल कंपनियों की ओर से महीने की शुरुआत में ही जो घरेलू रसोई गैस सिलेंडर होता है उसकी कीमतों में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर जो है 115 रुपए तक सस्ता कर दिया गया है। अगर आप भी कमर्शियल गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी अब कमर्शियल गैस सिलेंडर दिल्ली में 1744 रुपए मिलेगा और कोलकाता में इसके दाम 1846 रुपए, वहीं मुंबई में 1696 रुपए पर बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, कमर्शियल गैस सिलेंडर के अलावा घरेलू रसोई गैस सिलेंडर दिल्ली में आपको उसी दाम पर मिलेगा, यानी कि 1053 रुपए में ही आपको 14.2 केजी वाला गैस सिलेंडर मिलने वाला है। और साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रेनों से लेकर हवाई सफर हुआ महंगा, तो टैक्सी और रिक्शा के भी किराए में भी हो गई बढ़ोतरी। दरअसल दोस्तों, आम जनता को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रेन से लेकर हवाई सफर तक ऑटो, टैक्सी और रिक्शा के भी किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी हो चुकी है। हवाई यात्रा के टिकट के आगे यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि अब काफी महंगाई देखी जा रही है। यही नहीं, ट्रेनों के टिकट भी काफी जबरदस्त महंगे हो चुके हैं। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर ट्रेन टिकट हो, हवाई यात्रा हो या फिर ऑटो, टैक्सी, रिक्शा हो, हर एक यहाँ पर किराए में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। रेलवे की ओर से बताया गया है कि 6 नवंबर तक जो ट्रेन टिकट है वो महंगा रहेगा। यही नहीं, आपका जो हवाई यात्रा है यानी कि प्लेन से जो सफर करते हैं उनके लिए भी यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेन किराए में बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में ऑटो, टैक्सी और रिक्शा के भी किराए में जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक और बड़ा अपडेट आया, इन 5 राज्यों के लोग रहें सावधान। भारी बारिश को लेकर जारी हुई चेतावनी, आज रात से स्कूल कॉलेज को भी बंद करने का हुआ ऐलान। बड़ा अपडेट सामने आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इन 5 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी हो चुकी है। IMD मौसम विभाग की ओर से देश भर के मौसम में उतार चढ़ाव को देखने को लेकर कहा गया है कि सावधान रहें। देश के खासकर इन 5 राज्यों में अगले 24 से 48 घंटे के दौरान भारी बारिश हो सकती है। इसके चलते यहाँ पर वेदर न्यूज़ में जो बड़ी अपडेट आई है, तमिलनाडु में कहा जा रहा है कि आज स्कूल भी बंद रहेंगे। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से ये बड़ी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सर्दी इसके चलते बढ़ जाएगी। कई राज्यों में यहाँ पर भारी बारिश के बीच ही सर्दी का जो शुरुआत है वो हो जाएगी। तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते स्कूल कॉलेज भी पहले से ही बंद कर दिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर, पेट्रोल, डीजल और सोना चांदी समेत रसोई गैस सिलेंडर के ताजा रेट भी हो चुके हैं जारी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में नहीं हुआ है कोई बदलाव, लेकिन रसोई गैस सिलेंडर हो चुका है 105 रुपए तक सस्ता। दोस्तों, महीने की जैसे ही शुरुआत हुई है वैसे ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिलहाल तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो आपका रसोई गैस सिलेंडर है कमर्शियल 105 रुपए तक सस्ता हो चुका है। और फिलहाल यहाँ पर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर सस्ता नहीं हुआ है।